अस्सलामु अलैकुम। ये जो मोहब्बत रसूल में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनवान से जश्न मनाया जाता है, इसमें क्या होता है? यही ना तिलावत मुबारक, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तनावुल माहज़र। अब अपने ईमान और ईकान से बताइए कि इसमें ऐसा क्या है कि जिसको शरीयत से साबित किया जाए। तिलावत मुबारक बाईस बरकत व सवाब है, ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ईमान की असल है, और तनावुल माहज़र के जवाब पर तो मुनकिरीन मीलाद का पेट ही दलील के लिए काफ़ी है। वो मुसलमान ही क्या जो अपने नबी के ज़िक्र पर दलील का तलबगार है। अशेख मोहम्मद अल महदी अल फासी अल रहमा फरमाते हैं कि हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के मुबारक ज़िक्र से जिस शख्स के कलेजे में ठंड ना पड़े तो उस शख्स के सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल हो ही नहीं सकता। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के रूहअफ़ज़ा ज़िक्र से दिलों को जिला बख्शना, ये बड़ी सआदत की बात है। और साहिब, ये सआदत दलाइल से नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक से मिलती है। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।